आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे पांच सबसे बेस्ट फेस वॉशेस की जो कि आपके एक्ने स्कार्स को रिमूव कर सकते हैं और जो हर दूसरा डर्मेटोलॉजिस्ट जो है सजेस्ट करता है अपने क्लाइंट्स को। सो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बिकॉज ऐसा कॉन्टेंट तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ कि आपके स्कार्स रिमूव करने के लिए कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको एक फेस वॉश में देखने हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है या तो उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो या उसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड हो। ये मैं बात कर रहा हूँ फेस वॉशेस की, ठीक है। क्रीम्स के इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं, सीरम्स के इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो फेस वॉशेस है आपको उसमें दो ये जरूर देखने हैं। थर्ड आप देख सकते हो उसके अंदर विटामिन सी या लेमन एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। वो क्या करता है आपकी स्किन को थोड़ा सा फेयर बनाता है जिससे कि आपके डार्क स्पॉट धीरे धीरे लाइटन होने लगते हैं, ठीक है। सो ये तीन चीजें आपको देखनी है, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड आपका विटामिन सी और लेमन एसेंशियल ऑयल हो या लेमन एक्सट्रैक्ट हो, कुछ भी उसमें डाला हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में सबसे पहली फेस वॉश जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है आहा ग्लो, ठीक है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक आता है आहा ग्लो जो कि नॉर्मल है और एक आता है आहा ग्लो एस जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड आता है ग्लाइकोलिक एसिड के साथ में। जो केवल आहा ग्लो आती है उसके अंदर सिर्फ ग्लाइकोलिक एसिड होता है, इसके अंदर आपका सैलिसिलिक एसिड नहीं होता है, ठीक है। तो सब फर्स्ट है हमारी आहा ग्लो, ठीक है, जिसके अंदर है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड इट्स AHA अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ये भी आप इसकी जो वर्किंग है ये काफी सिमिलर है सैलिसिलिक एसिड से। आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सैलिसिलिक एसिड ज्यादा बेटर रहेगा या ग्लाइकोलिक एसिड बेटर रहेगा, उसको अगर आपका कंफ्यूजन है तो उसको दूर करने के लिए पास्ट में मैंने वीडियो बनाई थी कि कौन सा ज्यादा बेटर है, उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ जहां पर आप कमेंट करते हैं वहां पर मैं पिन कर दूंगा लिंक, उसके ऊपर जाइए क्लिक कीजिए आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर किसी को भी डाउट है तो, ठीक है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। एक बेसिक आइडिया देता हूँ, अगर आपकी स्किन ऑयली स्किन है तो आपके लिए सैलिसिलिक एसिड अच्छा है, अगर आपकी स्किन ड्राई स्किन है तो आपके लिए ग्लाइकोलिक एसिड अच्छा है, ठीक है। सो फर्स्ट फेस वॉश है हमारा आहा ग्लो, ठीक है। इसकी प्राइसिंग है 368 रुपीज, 100 ग्राम्स की इसकी पैकेजिंग आती है। ग्राम्स इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इट्स जेल बेस्ड फेस वॉश, ठीक है, तो इट्स नॉट अ फॉर्मिंग फेस वॉश। आप बाद में जब आप इसको लगाते हैं तो इसका लेदर क्रिएट होता है, ऑलमोस्ट जो इसकी फील होती है वो एक फॉर्मिंग फेस वॉश की तरह ही होती है, ठीक है। लेकिन ये जेल बेस्ड कंसिस्टेंसी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड फेस वॉश की अगर हम बात करें तो सेकंड फेस वॉश आता है हमारा सैलिसिलिक फॉर्मिंग फेस वॉश जिसके अंदर है सैलिसिलिक एसिड। अब इसमें भी जो है दो वेरिएंट्स आते हैं, पहला है सैलिसिलिक एसिड 1% जो कि आता है ओनली सैलिसिलिक फॉर्मिंग फेस वॉश ऑरेंज पैकेजिंग में आता है, और एक आता है सैलिसिलिक DS जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड 2% आता है जो कि आपका पर्पल या ब्लू कलर की पैकेजिंग में आता है। सभी फेस वॉश जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करोगे अमेजोन ओपन हो जाएगा, प्राइसिंग वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। और एक प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन पांच फेस वॉश में प्लीज मुझसे ये मत पूछिएगा कौन सा बेस्ट है बिकॉज पांचों ही अपनी जगह बेस्ट है। आपको आपके बजट में जो सूट करे आप वो ले सकते हैं या जिसका नाम आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, ठीक है। पांचों की वर्किंग सेम है और अच्छे से वर्क करते हैं, सो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको ज्यादा एक्ने हैं और डार्क स्पॉट ज्यादा हैं तो आप ले सकते हैं सैलिसिलिक DS। अगर आपको कम स्पॉट्स हैं और आपको थोड़ा सा एक ऐसा फेस वॉश चाहिए जो कि आप लॉन्ग टर्म में यूज कर सकें ताकि आपको एक्नेस ना हो, पिंपल्स ना हो और आपके डार्क स्पॉट्स ना हो, तो आप यूज कर सकते हैं सैलिसिलिक फॉर्मिंग फेस वॉश, ठीक है। इसकी जो प्राइसिंग है 275 रुपीज है 60 ml के लिए, और जो सैलिसिलिक DS है उसका प्राइसिंग है हमारा 325 के अराउंड, ठीक है, सेम क्वांटिटी 60 ml के लिए। अब हम बात कर लेते हैं आज की वीडियो की थर्ड फेस वॉश की, ठीक है, जो कि काफी बजट में है और अगर जो लोग बजट में थोड़ा सा टाइट है वो लोग इसके लिए जा सकते हैं। इसका नाम है क्लैम्पलिन फेस वॉश, ठीक है। क्लैम्पलिन फेस वॉश में भी सैलिसिलिक एसिड 1% आपको देखने को मिलता है। इस फेस वॉश की खासियत यह है कि बहुत ही ज्यादा चीपर है, चीपर मैं इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से नहीं बोल रहा, इसके प्राइसिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ। इसकी प्राइसिंग काफी ज्यादा कम है, ठीक है, 182-250 के रुपीज के अराउंड आपको देखने को मिल जाती है। इसके अंदर भी जो है दो वेरिएंट्स आते हैं, ठीक है, एक आता है क्लैम्पलिन और एक आता है क्लैम्पलिन AHA, ठीक है, तो जिसके अंदर आपको ग्लाइकोलिक एसिड भी देखने को मिलता है। जो नॉर्मल क्लैम्पलिन है वो ग्रीन कलर की पैकेजिंग में आता है और जो आपका AHA वाला है वो एक रेडिश कलर की पैकेजिंग में आता है, ठीक है। तो आप अगर प्रेफर करना चाहें तो आप AHA वाला ले सकते हैं, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, क्लैम्पलिन ले सकते हैं वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आज की वीडियो के फोर्थ फेस वॉश के, ठीक है, जो कि काफी एक्सपेंसिव है लेकिन उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो है न्यूट्रीजिना का
सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर जो कि 2% जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड देखने को मिलता है। प्राइसिंग है 576 रुपीज के अराउंड एंड आई थिंक क्वांटिटी है उसकी 135 ml। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका बजट ठीक है और एक आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट देखना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो आप उसके साथ में जा सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारी वीडियो का फोर्थ फेस वॉश जो कि काफी ज्यादा अच्छा है और न्यूट्रीजना एक बहुत ही ज्यादा रेपुटेटेड ब्रांड है, ठीक है। फिफ्थ फेस वॉश जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट फेस वॉश होगा, प्लेस पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा वाव का विटामिन सी फेस वॉश। ये कोई मेडिकेटेड प्रोडक्ट नहीं है, ये सभी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, लेकिन इसकी वर्किंग बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी तो मैं इसको इस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इफेक्टिव है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये है कि आपके स्किन को थोड़ा सा फेयर भी बनाता है और आपके डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करेगा, आपके स्कार्स में भी हेल्पफुल है और एक अच्छा फेस वॉश साबित होगा ये आपके लिए, ठीक है। तो 100 ml आपको अराउंड 350 रुपीज पड़ जाता है। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लीज आप चेकआउट कर सकते हो। सो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों से 5 ऐसे फेस वॉश शेयर किए जो कि आपके एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स एंड आपकी स्किन को फेयर बनाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे अगर आप अपने इसको अपने स्किन केयर में शामिल करते हैं और लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं, ठीक है। जितने भी फेस वॉश मैंने आपको बताए हैं सभी की प्रॉपर्टीज है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगी, आपकी स्किन को फेयर बनाएंगे, ठीक है। तो जो लोग भी एक अच्छा फेस वॉश देख रहे हैं, इन पांचों में से कोई भी आप पिक कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा अच्छा कॉन्टेंट आपके लिए आने वाला है इस चैनल पे। सो जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है दोस्तों, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया है प्लीज बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, बिकॉज बेल आइकन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सो प्लीज एक अच्छे सब्सक्राइबर की तरह अपना बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके।